रहमान रहीम। व्यूवर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि फॉर्म्स क्या हैं, और अपने इस वीडियो में व्यूवर्स हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक फॉर्म पर रजिस्टर होते हैं। व्यूवर्स, इस वीडियो ट्रेनिंग के साथ मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें बेशुमार फॉर्म्स हैं और आप मुख्तलिफ फॉर्म्स पे जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोसीजर जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से आपने रजिस्टर होना है और किस तरह से आपने अपने सिग्नेचर को मॉडिफाई करना है। व्यूवर्स, सबसे पहली बात है कि इस वक्त मैं फॉर्म के मेन पेज पर हूँ। इसमें फॉर्म का अलग से एक पेज दिया गया, मैं इस फॉर्म के पेज पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं उस फॉर्म पर जंप कर जाऊँ। एक वेबसाइट का हिस्सा भी हो सकता है फॉर्म, और पूरी वेबसाइट फॉर्म पर ही मुश्तमिल भी हो सकती है। तो एक्चुअली ये वेबसाइट जो है वो दो तीन हिस्सों में मुश्तमिल है और फॉर्म इस वेबसाइट का एक हिस्सा है। व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसे सबसे पहले रजिस्टर करता हूँ अपने अकाउंट को। जो ही मैं व्यूअर्स रजिस्टर के बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अपीयर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फॉर्म्स के रूल्स हैं कि इस फॉर्म में आप अगर जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं चेक करता हूँ कि मैंने इन फॉर्म के रूल्स को पढ़ लिया है और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करता हूँ ताकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे सामने अपीयर हो सके और उसे फिल आउट करने के बाद मैं इस पर रजिस्टर हो सकूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, एक यूनिक यूज़र नेम। तो मैं वकास कामिन 2013, ये एक यूज़र नेम मैंने सेलेक्ट किया जो कि एक्चुअली मेरा ईमेल एड्रेस भी है। और इसका मैं पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ व्यूअर्स, और वही पासवर्ड मैं कन्फर्म पासवर्ड में डालता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस वो मुझसे मांग रहा है, तो मैं वकास कामी 2013@gmail.com और कन्फर्म कर देता हूँ इसे। मैं वकास कामी 2013@gmail.com, और उसके बाद व्यूअर्स एक कैप्चा है, मुझे उस कैप्चा को एंटर करना है। तो 1811ASRGICI, और कहते हैं जी टू प्रूव यू आर नॉट अ बॉट लो प्लीज़ टाइप ह्यूमन। कहते हैं यहाँ पे आपने वर्ड ह्यूमन टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे ह्यूमन का वर्ड टाइप कर दिया। रेफरर मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे किसने रेफ़र किया है। अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग मेंबर ने रेफ़र किया तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। टाइम जोन फिल वक्त हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और रिसीव्ड ईमेल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, जी हाँ, इस ऑप्शन को हम चेक करने देंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर हम क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, जो ही हम इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, इस फॉरम की तरफ से एक ईमेल जनरेट होगी जो कि हमारे ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। और उस ईमेल में एक लिंक होगा जिसको क्लिक करने से हमारी जो ये रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं अपने इनबॉक्स को ओपन करता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि देखूँ कि ईमेल आई है। जी हाँ व्यूअर्स, देखिए वेब मास्टर फॉरम के नाम से मुझे एक ईमेल रिसीव होगी, और ये वो लिंक है जिसको क्लिक करने से व्यूअर्स मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं उस लिंक पर क्लिक करता हूँ, और व्यूअर्स मैंने जब इस पर क्लिक किया तो देखिए मैं रजिस्टर हो चुका हूँ, और वो मुझे कह रहे हैं कि थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ नाउ कंप्लीट। अब व्यूअर्स मैं अपने अकाउंट के अंदर मौजूद हूँ। तो इस तरह से व्यूअर्स हमने एक फॉर्म पे चंद ही मिनट्स में रजिस्ट्रेशन हासिल की। नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स हम देखेंगे किस तरह हम अपने सिग्नेचर्स को मॉडिफाई